ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हम सबसे पहले आपको रूस का अटैक प्लान बताते हैं। बेलारूस से यूक्रेन पर कभी भी बड़े हमले की आशंका, विद द विजुअल्स। बेलारूस में रूस के बिग 31 SU-24 फाइटर जेट तैनात, KH-35 एंटी शिप मिसाइल के साथ SU-34 बॉम्बर भी दिखा। 19 जनवरी तक रात की रात रूस के 11 हेलीकॉप्टर बेलारूस पहुंचे। थिंक टैंक ISW का बेलारूस से हमले को लेकर बड़ा दावा। ये बड़ी खबर है, इसमें कॉम्बिनेशन है कई खबरों का, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से तैयारी चल रही है वो ये तैयारी बता रही है कि आखिर बेलारूस से क्या कुछ होने वाला है। सीधे जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, और इन फैक्ट्स को देखने के बाद आपको तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, आखिर बेलारूस से क्या होने वाला है और बेलारूस की वजह से क्या हो सकता है। क्या बेलारूस से बड़े अटैक का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है? नंबर वन, MiG-31 के रूसी हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स की एक्टिविटी क्यों बढ़ गई है? क्रेमलिन मिन्स्क अधिकारियों में हाई लेवल मीटिंग क्यों हुई है? क्या रूसी ट्रूप्स कार्गो टैंक्स में छिपकर बेलारूस पहुंचे हैं? क्या 2023 की फरवरी यूक्रेन में एटमी तबाही लाएगी? ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। इस सब के बीच में जो हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि आखिर बेलारूस को लेकर जो भी तैयारी हमारे सामने रशिया की दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या 2022 की शुरुआत वाली स्ट्रैटेजी है या कुछ और? बेलारूस से हमले का काउंटडाउन हम ऐसे क्यों दे रहे हैं? दरअसल ऐसा कहने के पीछे वजह है बेलारूस में रूस का हैवी डिप्लॉयमेंट। सीधे देखिए, 20 जनवरी बेलारूस में 11 रूसी हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट दिखाई देता है। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर बेलारूस में रशियन चॉपर्स लैंड करते हैं। इस मैप में दिख रहा है कि कैसे रूस बेलारूस दोनों के हेलीकॉप्टर्स ने इधर से उधर उड़ान भरी। ये देखिए, बेलारूस के MI-8, MI-24 बेलारूस के ये चॉपर्स हैं। दूसरी तस्वीर 20 जनवरी को ही बेलारूस में SU-24 बॉम्बर की है, KH-35 एंटी शिप मिसाइल के साथ दिखा। इसमें हैरान करने वाला विजुअल है। ये तीसरी तस्वीर है 19 की, जब आपने देखा MiG-31 के हाइपरसोनिक मिसाइल विद द किंजल, MiG-31 के ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के साथ न्यूक्लियर बॉम्बर था ये जिसने टेक ऑफ किया। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि बेलारूस से यूक्रेन पर बड़े हमले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है।